कहने को तो सीएम हेल्पलाइन लोगों की शिकायत सुनने और मदद करने के लिए बनी है, लेकिन कटनी जिले के एक शख्स को सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करने की सजा दी गई। पुलिस ने शिकायत करने वाले शख्स को पीट दिया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। कटनी में सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करना एक युवक को भारी पड़ गया। पुलिस कर्मियों ने युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी। मारपीट की ये घटना क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित का आरोप है कि सीएम हेल्पलाइन पर की गई शिकायत वापस नहीं लेने पर उसकी पिटाई की गई। घटना कटनी जिले के मुड़वारा रेलवे स्टेशन के पास की है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि वर्दी में आए करीब आधा दर्जन पुलिसकर्मी एक युवक को बेरहमी से पीटते नजर आ रहे हैं। पुलिस वाले लाठी डंडे और लातों से उसकी पिटाई करते रहे हैं। सर जी, मैं एक दिन किसी अपनी रिलेटिव में दोस्तों की आया था सवारी को अटेंड करने यहाँ पे, तो यहाँ पे सामने चाय का एक ठेला 24 घंटे ही वो चलता रहता है, उसमें असामाजिक तत्व आते जाते रहते हैं। और उस दिन भी वही हुआ, उन्होंने वो स्त्री के साथ थोड़ा सा छेड़छाड़ उठपटांग अभद्रता की। मेरा विरोध करने पर उन लोगों ने मेरे साथ और विरोध करने पर मेरे को मैंने को बोला कि जा, जिसको जहाँ जहाँ बताना हो बता दे भाई। मैं सामने थाने में गया, थाने में उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया कि चलो भाई तुम्हारा काम हो जाएगा, इनको मैं समझा दूंगा, आप दोबारा ऐसा नहीं करेंगे इस टाइप से, और आश्वासन दे के चले गया मैं। अब जब मैं चला जाता हूँ उसके बाद फिर मेरी कंप्लेन नहीं हुई। जब वापस इनकी वही प्रक्रिया तो मैंने 181 लगा दी श्रीमान जी। अब 181 को वापस लेने के लिए एक बार मेरे को मारपीट की मेरे साथ मोबाइल छीन के और मेरे से 181 वापस ले ली। किन लोगों ने मारा आपको? पुलिस वालों ने। कितने लोग थे? अरे पुलिस तो बहुत थे, 6-7 थे, अब पता नहीं कौन कौन थे, सब ड्रेस में थे, ये यहीं के थे, यहीं से थे, और गाड़ी में भी आए थे फिर बाद में। क्या कह रहे थे? कुछ नहीं, बोले तू बहुत शिकायत करता है, तू 181 बहुत लगाता है, तेरे को तो ज़्यादा समझ में आती है, ज़्यादा होशियार बनता है, इस टाइप से मारते जा रहे हो बस। चोट तो बहुत है सर जी, हाथ में भी है और पूरी जांग में, जिसका मैं एडमिट भी रहा सरकारी अस्पताल में। कहीं शिकायत की आपने? शिकायत सर जी की ना मैंने वहाँ पे भोपाल उनके आईजी जो वहाँ रहते हैं रेलवे आईजी एसपी उनके यहाँ की। क्या चाहते हैं? आदरणीय न्याय चाहता हूँ। और ये क्या है सब अवैध काम, ये सब जो चल रहा है सब संचालित हो रहा है, 24 घंटे माँ बहनों को छेड़ा जा रहा है, सब बंद हो। और क्या मेरा नाम विशाल जायसवाल। पीड़ित विशाल जायसवाल के हाथ पैर पर गंभीर चोटें आई हैं। इस पूरे मामले पर ये सवाल खड़े हो रहा है कि सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करना क्या कोई अपराध है? आखिर क्यों इस शख्स को सीएम हेल्पलाइन पर कॉल करने पर पीटा गया? पंजाब केसरी टीवी के लिए कटनी से संजीव वर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।